यूडीसीआर में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे श्रीराम कैपिटल आंध्रा प्रीमियर लीग T20 का जो नेक्स्ट मैच खेला जाएगा उस मैच की। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे जिनकी जगह बन पाएगी हमारी प्राइम टीम में दोस्तों, उसके बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना दोस्तों। स्किप करोगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना वो आप मिस कर जाओगे। तो मैं नहीं चाहता हमारे यूज़र्स उन पॉइंट्स को मिस करो, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक बार हमारे यूज़र्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे बातों को फॉलो करते हैं, वो कितना विन कर रहे हैं वो एक बार आपको दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए तो दोस्तों चलिए आपको एक बार हमारे जो यूज़र्स है दोस्तों उनकी विनिंग्स दिखा देते। तो पहले तो चलते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते सर कल आपकी टीम से खेला और आपके बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। तो ही तो मैं कहता हूँ ना, हमारे बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। और 216,400, क्या बात है दोस्तों, 216,400 इनके इन्होंने। उसके बाद ये लिखते सर कल मैंने अपने टेलीग्राम वाले टीम से आपकी टेलीग्राम वाले टीम से मिनी ग्रैंड लीग विन किया दोस्तों। इन्होंने मिनी ग्रैंड लीग तक विन कर लिया दोस्तों। देखिए 160,000 इन्होंने विन किया एक ही दिन में, एक ही मैच में। उसके बाद ये देखो, मत पढ़ो दुनिया के चक्कर में, कोई नहीं है UDCR की तरह। देखिए थैंक यू। देखिए हमारे यूज़र्स, क्या बात है, आपकी नॉलेज मैंने आज तक नहीं देखी, ऐसी नॉलेज मैंने आज तक नहीं देखी, सैल्यूट टू यू ब्रदर दी, थैंक यू सर। उसके बाद ऑसम सर कल मैंने आपके टीम से 75,000 विन किया इन्होंने दोस्तों। देखिए 75,000 विन किया। उसके बाद जय श्री राम, ये लिखते कल ब्रदर आपकी टीम लगाई और 1500 बंदे में फोर्थ रैंक आया, क्या बात है, 1500 1500 रैंक में इनकी रैंक क्या आई, 4 दोस्तों, कितनी हाई रैंक है आप समझ सकते हो 1500 बंदे में। तो आप बोलोगे ये किस टीम से खेले, सब लोग किस टीम से कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया दोस्तों, वो आपको इतने दिखा देते। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का बटन, इस पर टैप करना है और आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। तो इस पर टैप करना है और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है। उसके बाद आपको एक वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। आपको अगर हमारे वीडियोस रेगुलरली देखना है ना, सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल को दोस्तों। उसके बाद आपको मोर पर क्लिक करना है, ये जो मोर का दिख रहा है ना इस पर आपको टैप करना है और नीचे पहले जो लिंक ये देखिए, ज्वाइन आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल फॉर डेली पिच रिपोर्ट एंड मैच अपडेट्स, ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों। इस वाले लिंक पर आपको टैप करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आपको ज्वाइन हो जाना है। क्यों होना है, क्योंकि वही इसी टीम के साथ, टेलीग्राम वाले टीम के साथ ही ना हमारे यूज़र्स खेलते हैं दोस्तों। ये जो हमारे यूज़र्स है सारे हमारे टेलीग्राम वाले टीम से खेलते हैं। तो चलिए हमारे टेलीग्राम पर चलते डायरेक्ट। तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों। यहाँ पर आपको नीचे देखिए, नीचे जो ब्रॉडकास्ट का बटन दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा। आपको इस जगह पर उस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने से आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज पे लेकर आएगा और इस जगह पर जो ज्वाइन का बटन होगा दिख रहा होगा आपको, उस पर आपको टैप करके ज्वाइन हो जाना है। तो देखिए यहाँ पर ही आपको हमारी फाइनल टीम मिलती है दोस्तों, ये रही फाइनल टीम। तो अगर आपको भी इनकी तरह एक तरफा क्लीन स्वीप करना है, आपको हमारे बोले गए बातों को फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दूसरा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। उसके बाद चलिए बात करते हैं मैच की। तो पहले तो मैच पर चलते हैं, उसके बाद क्रिएट टीम पर जाएंगे और पहले हम फिल्टर लगाएंगे आपके विजयवाड़ा टाइगर्स के ऊपर, सॉरी विजयवाड़ा वॉरियर्स की। तो अगर इनके पिछले मैच की बात करें वो कैसा रहा, तो एक बार इनका पिछला मैच चेक कर लिया जाएगा कहाँ है, ये रहा दोस्तों। तो अगर बात करें विजयवाड़ा की टीम की, तो ओपनिंग कर रहे हैं आपके मुंगांगनी अभिनव दोस्तों, किसके साथ, महीप कुमार के साथ, फिर रिक्की भोई, पीआर अविनाश,
फिर गोलमारू, फिर साई राहुल दोस्तों, उसके बाद सोहेब एमडी खान, कुछ इस तरह से इनकी बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में आपके तीन ओवर करे संतोष कुमार, तीन ओवर सलतेज मोहन ने चार ओवर किया, एमडी खान ने चार किया, अखिल ने तीन, और साई राहुल ने दो ओवर बॉलिंग किया दोस्तों, जो आपके सामने है। ऐसे मेरे टीम में मैं ओपनिंग दोनों के साथ जाने की ट्राई करूँगा, एम अभिनव और महीप कुमार दोनों के साथ में जाऊँगा। कौन? अभिनव और महीप कुमार दोनों अच्छा कर रहे हैं, दोनों को मेरे साथ, दोनों के साथ में जाऊँगा। पी अविनाश और गोलमारू में बॉलिंग कौन कर रहा है दोस्तों? तो अविनाश और गोलमारू में कोई भी बॉलिंग कर नहीं रहा, तो ललित मोहन और यहाँ से सोहेब एमडी खान दोनों अच्छा कर रहे हैं, तो कहा गए एल मोहन और एमडी खान। एमडी खान कर क्या रहे? अच्छा कर रहे दोस्तों। के सलतेज को इनको भी चेक करेंगे, के सलतेज कितने ओवर बॉलिंग कर रहे? तीन ओवर तो हर एक मैच में कर रहे हैं। और इनका बैटिंग ऑर्डर कहा है दोस्तों, तो अच्छी खासी ऊपर ही है, अगर विकेट जल्दी गिर गई तो इनको बैटिंग का मौका ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद के साई राहुल और दुर्गा कुमार, के साई राहुल का बैटिंग ऑर्डर हमको देखना पड़ेगा। के साई राहुल और दुर्गा कुमार कुछ नहीं कर रहे दोस्तों, साई कुमार ने सिर्फ दो ही ओवर बॉल किया था, साई राहुल ने दो ओवर बॉलिंग किया दोस्तों, तो अभी के लिए इनको नहीं लेंगे। अभी के लिए इन पांच ही प्लेयर्स हमारे टीम इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, कौन? अभिनव, के महेश कुमार, मोहन, एमडी खान और सलतेज दोस्तों। उसके बाद हम पिक करेंगे यूथराठन लायंस के प्लेयर दोस्तों, इनका पिछला मैच एक बार चेक कर। एक काम करते हैं, साथ ही साथ बैट बॉल इलेवन की टीम भी बना देते हैं। जो लोग अभी तक बैट बॉल इलेवन पर खेलना स्टार्ट नहीं किया ना, बैट बॉल इलेवन पर खेलना स्टार्ट ज़रूर कर देना। तो चलिए डायरेक्टली बैट बॉल इलेवन की टीम भी साथ ही साथ बनाएंगे दोस्तों, है ना। ये रही तो आगे बैट बॉल पर, तो यहाँ से मैं पिक करूँगा अभिनव को दोस्तों, अभिनव और के महेश को। उसके बाद बॉलिंग में से जैसे कि मैंने बताया था, मैं मोहन खान और सलतेज तीनों को रखा हूँ, ये देखिए रख लिया। उसके बाद डायरेक्टली चलते हैं और बात करते हैं दूसरी टीम की, जो कि UTL मतलब उत्तराखंड लायंस की टीम की। तो इनका पिछला मैच ये रहा, तो ये टीम काफ़ी अच्छा करे, पहले बैटिंग करते हुए 206 बनाए और ओपोनेंट को 15 ओवर में ऑल आउट कर दिया था दोस्तों। तो यहाँ से मेरे टीम में कौन होंगे? मेरे टीम में ओपनिंग करे दोस्तों गुलफान शहर, कैस भारत के साथ, एक सेकेंड, हाँ, फिर वेंकट राहुल, फिर श्याम, फिर तापसी श्रीनिवास, फिर आपके पी तेजस्वी, कुछ इस तरह से इनके बैटिंग ऑर्डर है। बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में आपके चार दो ओवर कर रहे हैं आपके कलहाड़ी कुमार, दो ओवर कर रहे हैं अप्पा, दो चार ओवर कर रहे हैं आपके वाई वासु, एक ओवर कर रहे हैं मोहम्मद रफी, दो चार ओवर कर रहे हैं पिनाती तेजस्वी ने, पृथ्वीराज ने आपके दो ओवर बॉलिंग किया दोस्तों। तो हमारे टीम में कौन होंगे दोस्तों? हमारे टीम में यहाँ से तो हमारे टीम में कौन होंगे उससे पहले बता दो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया, एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, है ना, सब्सक्राइब करना होगा आपको। टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, टेलीग्राम पर, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको हमारी फाइनल टीम मिलेगी ना, है ना। तो चलिए बात करते हैं अभी किस के यहाँ से, केएस भरत को लूँगा, यहाँ से राहुल मेरे टीम में होंगे। कौन? एक तो आ गए केएस भरत, उसके बाद तापस्वी दोस्तों। तापस्वी क्या कर क्या रहे दोस्तों? तापस्वी का बैटिंग ऑर्डर भी ठीक ठाक ऊपर ही है, अच्छा कर रहे हैं। वेंकट राहुल दोस्तों, कहाँ है वेंकट राहुल? वेंकट राहुल कहा गया, ये रहे दोस्तों, ये वन डाउन बैटिंग करने आ रहे, बॉलिंग कर रहे क्या, ये भी देख लेते हैं एक बार। बॉलिंग तो नहीं कर रहे, वाई वासु और तेजस्विनी बॉलिंग कर रहे, वाई वासु और तेजस्विनी। तो तेजस्विनी तो हमारे टीम में पक्का हो जाएंगे। वाई यारा दोस्तों ये कुछ खास नहीं कर रहे, अयप्पा दोस्तों, यहाँ से वेंकट राहुल वन डाउन बैटिंग करने आ रहे, ये मेरे टीम में पक्का होंगे। तो उसके बाद यहाँ से मैंने दो बॉलर्स एक बैट्स और मुझे बैट्समैन चाहिए ना, तो बैजर बैट्समैन में पी तापस्विनी ने आपके करके आ रहे दोस्तों, के एस भरत, वेंकट राहुल, श्याम सुंदर और तापस्विनी में किसी एक को लेंगे, श्याम सुंदर और तापस्विनी, मैं तापस्विनी के साथ जाऊँगा।
इनके साथ जाऊंगा। उसके बाद श्याम सुंदर को भी आप ले सकते हो, पर मैं इनको अभी के लिए नहीं लूँगा। इसके बाद जी वाई वासु, जी वाई गिरीश वासु कर क्या रहे हैं, बॉलिंग कितना करे वो एक बार चेक कर दे। वाई वासु यादला वासु ने 4 ओवर किया, तो ये मेरे टीम में आ जाएंगे। तो ये 10 प्लेयर तो आ गए दोस्तों, और मुझे जितना मुझे लगता है मुझे एक और बॉलर या ऑलराउंडर चाहिए होगा, किसकी, UTL की टीम की दोस्तों। तो यहाँ से अगर एक बॉलर की बात करें, ये और बी अयप्पा, अयप्पा को मैं लूँगा क्योंकि अच्छा कर रहे दोस्तों, हर एक बच्चे एक निकाल ही रहे, तो ये बन गई मेरी टीम। तो साथ ही साथ बैट बॉल इलेवन पर भी प्लेयर्स पिक कर लेते हैं ना, जहाँ पर हम खेलेंगे ये वाला कॉन्टेस्ट। यहाँ से भारत मेरे टीम में आ जाएंगे, जैसे कि मैंने इनको लिया तापिस भी नहीं मेरे टीम में, वाई यारा, यारा मेरे टीम में होंगे। उसके बाद बॉलिंग में से मेरे टीम में होंगे अयप्पा, तेजस्विनी और के वेंकट राहुल। तो ये 11 प्लेयर्स मेरे टीम में आ चुके हैं, आप एक बार प्रीव्यू देख लीजिए। कैप्टेंसी कौन होंगे, कैप्टेंसी की सबसे बड़े ऑप्शन जो होंगे दोस्तों वो होंगे आपके यहाँ से भारत अभिनव, उसके बाद बॉलिंग में से यहाँ से एल मोहन दोस्तों। ये तीन आपके लिए सबसे बड़े ऑप्शन जाएंगे ग्रैंड लीग सीओसी में, इनका कैप्टन, इनका वाइस कैप्टन बना रहा हूँ अभी के लिए दोस्तों। एक नहीं, भारत को कैप्टन बनाएंगे, अभिनव को वाइस कैप्टन बनाएंगे, ये देखिए। तो एक बार कुछ इस तरह से मैंने अपना टीम प्रिपेयर कर लिया, बाकी अगर इसमें कुछ चेंज करना हो आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम से नहीं जुड़े जुड़ जाना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। हाँ, उसके साथ हम बैट बॉल इलेवन की टीम भी सेव कर लेते हैं ना, कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों। तो इसका रिव्यू भी आप देख लीजिए एक बार, कुछ इस तरह से मैंने बना लिया। बाकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।